भोपाल की मशहूर सिंगर रेशमा खान जी आज हमारे लाइव होके न्यूज स्टूडियो में तशरीफ लाई हैं। और रेशमा खान जी जो हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना गाती हैं और लोगों का दिलों के अंदर तक जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है इनके अंदर ये इनको जो है जहाँ जहाँ इन्होंने गाने गाए इनको माशाल्लाह कई अवार्ड मिले और इनकी आवाज़ के सारे लोग दीवाने हैं और बड़े बड़े शो करती हैं। भोपाल से आगे तक भी इन्होंने बेंगलोर में किया, महाराष्ट्र में किया, मुंबई में किया, दिल्ली में किया, जगह जगह इनके चर्चे चल रहे हैं। और मालिक ने इनको एक कोयल जैसी आवाज दी है। तो आज हम आपको रेशमा जी से रूबरू कराने जा रहे हैं और जो उन्होंने शुरुआत की आज उनकी शुरुआत को लेके हम जनता के सामने पेश करने जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको पहला अवार्ड कब मिला और किस शौक से मिला और उनकी क्या क्या परिस्थितियां पहले रही हैं। तो आइए मैं आपको रेशमा खान से रूबरू कराता हूं। तो रेशमा खान जी आपका सबसे पहले तो लाइव होके स्टूडियो में आप आई और आपने लाइव स्टूडियो में आके अपने दर्शकों के सामने आई। तो आप ये बताइए कि जो आपकी शुरुआत हुई थी तो वो शुरुआत कैसे हुई, आप किस तरह यहाँ पर आई, आपको गानों को शौक कैसे हुआ, तो हमारे दर्शकों को बताइए। वो सुनने बैठे हैं आपको तो आपकी शुरुआत कैसे हुई। मुझे स्कूल में कंपटीशन हुआ तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने उसमें एक सॉन्ग गाया बच्चे मन के सच्चे, तो सभी ने बहुत पसंद किया और मुझे स्कूल में मतलब मेरा नाम हो गया। उसके बाद मैंने 8th क्लास में स्टेट लेवल पर, आप ये बताइए जो बच्चों को लेकर आपने गाना गाया था दर्शकों को बताइए आपके वो कौन से सन में गाया था और उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और जब आपने ये गाना गाया तो आपको कैसा महसूस हुआ और आपको कैसा लगा प्लीज। मैं जब 6th क्लास में थी मैंने सॉन्ग गाया था और 93 रहा होगा वो सन और उस टाइम मैंने ये सॉन्ग परफॉर्म किया था। उस टाइम में आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ आपको, कुछ मतलब दिल को लगा होगा क्या भाई आपकी उम्र में इतनी सी उम्र में आपने गाना गाया, प्लीज बताइए।
सभी मेरी फ्रेंड्स मुझसे बोलती थी तुम्हारी बहुत अच्छी वॉइस है रेशमा, तुम्हें गाना चाहिए। और तब मैंने ये सॉन्ग ट्राई किया तो सभी को बहुत पसंद आया। हमारे टीचर ने बोला कि बेटा बहुत अच्छी आवाज़ है और तुम आगे के लिए भी ट्राई कर सकते हो। मतलब मैंने ये सोच के गाया था कि शायद ये सॉन्ग सुनकर मेरे दिल में भी अच्छा लगा था और सभी को पसंद आएगा। एक कोशिश की थी मैंने, वो कामयाब हुई, सबने बहुत सराहा मेरे इस सॉन्ग को। तो ये बताइए कि जो आपकी कोशिश कामयाब हुई आपको लगा, तो इस कोशिश को आप कहाँ तक लेकर गए? जब आप अपने आप में आई तो उस टाइम में जब आपको अवार्ड मिला था, तेरा अवार्ड, तो वो अवार्ड कौन से सॉन्ग पे मिला था आपको? वो कौन सा सॉन्ग था जो लोगों के दिलों में राज कर गया और उन वजह से आपको अवार्ड मिला? तो प्लीज बताइए, वो जब अवार्ड आपको मिला था तो कौन सी सन में मिला था, कौन से गाने पे मिला था, और उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे थे अपने आप? जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएँ चलती हैं तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मैंने वहाँ एक इंसाफ की डगर पे ये सॉन्ग देशभक्ति नगमा वहाँ सुनाया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ सभी लोगों ने, मतलब जो जजेस थे उन्होंने मेरे गाए, जो आपने सॉन्ग किया उस सॉन्ग को एक दो लाइन में दर्शकों को बताइए आपने वो सॉन्ग आपका कैसा रहा, ताकि हमारे दर्शक भी सुने। होता है ना, कभी आप स्टेज पर पहुंचेंगे लेकिन कुछ लोग हमारे दर्शक वहां नहीं पहुंचे, तो हो सकता है बेटे बेटे आपके सॉन्ग को प्लीज। आतंकवाद दस्तक हर द्वार दे रहा है, आतंकवाद दस्तक हर द्वार दे रहा है, हत्याओं का नित हमको उपहार दे रहा है, हत्याओं का नित हमको उपहार दे रहा है। तो इस सॉन्ग के अंदर आपको अवार्ड मिला, आपके गुरु कौन रहे और जिसने ये अवार्ड दिया, वो अवार्ड देने वाले का नाम बताइए आप? और बहुत बड़ी बात है कि आपको इतनी कम उम्र के अंदर ये अवार्ड दिया गया, उससे नवाजा गया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो प्लीज आप दर्शकों को बताइए कि अवार्ड देने वाले कौन थे और आपके जो यहाँ तक आपको पहुँचाया वो गुरु कौन कौन थे? मुझे स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल एकल गान के ऊपर मिला और मेरे गुरु हरगोविंद विश्वकर्मा जी ने मुझे नगमा, ये जो गीत मैंने आतंकवाद पे गाया, उन्होंने मुझे सिखाया। और वहाँ के चीफ जो गेस्ट थे उनके माध्यम से मुझे ये प्राइज मिला, गोल्ड मेडल मैंने जो जीता था 8th क्लास में मैंने जीता था। और उसके बाद मैंने जो शोज ऑर्केस्ट्रा शोज होते हैं वो करना स्टार्ट किए। और एक बात और, 10th क्लास में जब मैं पहुंची तो मुझे लता मंगेशकर अवार्ड मिला, वो सीधी से मिला, सीधी सतना ये साइड जो सिटी है वहाँ से मैंने ये जीता। ये जीता आपने, इसके बाद ही बताइए आपके जो अवार्ड और आपको मिले, दर्शकों को हमारे वही बताइए वो अवार्ड आपको कहाँ कहाँ से मिले ठीक प्लीज। सबसे पहले तो जब मैंने, मुझे लगा कि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने क्लासेस ज्वाइन की। खैरागढ़ से मैंने 9 साल का डिग्री हासिल की और MLB कॉलेज से मैंने संगीत की MA की शिक्षा प्राप्त की। मेरे गुरु सिद्धराम स्वामी कोरवार जी हैं और नीना श्रीवास्तव मैम जिनसे मैंने सीखा, बहुत अच्छी गुरु हैं मेरी, मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं। और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं म्यूजिक लाइन में और उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे इस लाइन में लाने के लिए, पहुंचाने के लिए। और मेन बात ये, मेरे जो पिताजी हैं, जो मेरे डैड हैं, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है क्योंकि उनके माध्यम से मैं अभी यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैंने बहुत सारे TV शोज भी किए, X Factor एंटरटेनमेंट, और इस तरह से अवार्ड का सिलसिला शुरू हो गया। एक अख्तर सूफी शहरी अवार्ड भी मुझे मिला और बहुत सारे अवार्ड अचीवमेंट मैं करती जा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और तरक्की दे।
तो ये बताइए आपके जो आपके पिताजी थे वो क्या करते थे, क्या वो भी इसी लाइन में थे या कुछ और भी? एक्चुअली मेरे डैडी हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ मिनिस्टर के पीए थे, और उनको मतलब उनकी वॉइस थोड़ी अच्छी थी और उनके गाने का शौक था, और उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी की अच्छी आवाज़ है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाया। और अभी भी मेरे गाने को बहुत पसंद करते हैं, वो कहते हैं बेटा हमेशा आगे बढ़ो, तरक्की करो। जैसे अभी आपने आपने अमित को बताया, वो भी क्या जब आपकी शादी हुई थी तो उस वक्त क्या माहौल था आपका, क्या उन्होंने आपको इजाज़त दी थी कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, आपको गाना गाना है? प्लीज़ थोड़ा आपके हस्बैंड के बारे में बताएं, यानी आज के टाइम में आपको आगे बढ़ाया तो बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ देखिए, हम मॉमडन्स फैमिली से हैं और आप जानते हैं कि मॉमडन्स फैमिली में थोड़ा सा गाने के ऊपर भी बात होती है, लेकिन अगर आपके अंदर कला है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हस्बैंड मिस्टर बॉबी खान सिंगिंग लाइन में हैं, आर्टिस्ट लाइन में, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मल्टीपर्पज आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए। और शादी से पहले तो मैं अपने डैडी के साथ ही रहती थी, और उसके बाद जब हम भोपाल आए तो हमारी मुलाकात बॉबी खान से हुई, हमारे रिलेटिव हैं ये, और उन्होंने हम दोनों ने मिलकर साथ में शो किए, और आगे मैरिज के बाद भी हम शो कर रहे हैं और बहुत अच्छे शो करते हैं, और वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। रेशमा जी, आखिरी सवाल हो रहे हैं आपसे, कभी आपके मन में ये सवाल आया कि मैं बड़े सिंगर के साथ गाना गाऊं, जैसे हमारे कुमार शानू हैं, उदित नारायण हैं? सर उदित नारायण का तो वजूद रहा नहीं, फिर भी आज भी मतलब कुमार शानू की बात करें तो हम बहुत बड़ी चीज़ है कि कुमार शानू का कभी आपके लिए क्या नाम है उसका, सोनू निगम जी, कभी आपके दिल में ख्याल आया सोनू निगम है, कुमार शानू जी हैं, अजीत सिंह हैं, और भी जो सिंगर हैं उनके सामने कभी आपने मन में सोचा कि हम वहाँ तक पहुँचें, उनके साथ गाएं? या हमारी उषा त्रिमूर्ति जी हैं, जो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको उषा त्रिमूर्ति जी के बारे में, ये उषा त्रिमूर्ति जी जो हैं, उषा त्रिमूर्ति जी को हमारे रफी साहब ने पाला पोसा, बड़ा किया, उनको सिंगर बनाया, उनको गायक बनाया, आज वो खुद उनको मानती हैं रफी साहब को, और वो भी आज मुझे बेटे की तरह मानती हैं, वो अपने महाराष्ट्र में रहती हैं, और उनके गाने भी काफ़ी रहे हैं उषा त्रिमूर्ति जी के, जैसे कि जब जब बाहर आई और बोल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, बीजू बावरा के गाने, क्या उन तक पहुँचने की आपने कभी कोशिश की? कुमार शानू तक, अपने सोनू निगम तक, और भी जो नए सिंगर हैं उन तक, उसमें क्या सोच है आपकी? कहते ना कि कभी भी एक इंसान जब उठता है तो उसके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं कि मैं यहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ, ये भी करूँ, वो करूँ, आपका क्या रहा? प्लीज़ ये आखिरी सवाल आते हैं। मैंने जब मैं 7th क्लास में थी उस टाइम हमारे शहर में अंताक्षरी का शो चल रहा था और टीवी पर भी चल रहा था, अनु कपूर जी, तो उनके साथ मैंने नगमा गाया अनु कपूर जी के साथ, और वो एक नगमा था जो उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म किया था, वो ये नगमा था, मैं सुनाना चाहूँगी। माँ मुझे अपनी आँचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। ये नगमा मैंने परफॉर्म किया था, और जहाँ तक कि सोनू निगम जी की बात है तो एक्स फैक्टर शो जब हमने किया था, मेरे हस्बैंड ने भी किया था, तो जब हम ऑडिशन में गए थे और जब हमने शो में परफॉर्म किया था, तो उनके साथ भी मैंने, जब वो जजेस पे बैठे थे उस टाइम, उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा नगमा गाया था, रफ़ी साहब की फिल्म का था, तो थोड़ा सा मेरा सपना पूरा हुआ था कि उनके साथ मैंने गा लिया। और इसी तरह मैं सोचती हूँ कि आगे भी बढ़ती जाऊँ और अच्छे अच्छे सिंगर के साथ गाऊँ। और मैंने एक न्यू फिल्म आई है अछूत मूवी है, उसमें मैंने प्लेबैक सिंगिंग का वर्क, मतलब सिंगिंग की, उसमें आइटम सॉन्ग गाए और दो नगमे उसमें और गाए हैं, अब बहुत जल्दी वो फिल्म आने वाली है, तो आप सुनिए उसके नगमे बहुत अच्छे हैं। तो आखिरी सवाल और आपसे करने जा रहे हैं, आप लाइव स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव ओके न्यूज के बारे में आपकी क्या सोच है और आप क्या कहना चाहेंगी लाइफ ओके को? प्लीज
लाइव ओके चैनल देश की आवाज मिस्टर जावेद खान जी के द्वारा प्रेजेंटेड है और यहाँ हर तरीके के आप पहलू देखे जाते हैं सिंगिंग लाइन के या राजनीति के या जो भी लोगों के विचार हैं आपके सामने ये रखते हैं और ये हमारा लाइव ओके चैनल बहुत फेमस है। तो मैं कहूँगी कि ये चैनल आगे तक जाए न्यूज़ चैनल और हम सभी कोशिश करेंगे कि इसे और आगे तक ले जाए और हम इसके लिए बेस्ट विशेष देते हैं मिस्टर जावेद खान जी के लिए। तो ये थी हमारी रेशमा जी, ये बात सच है कि गायक आए और गए लेकिन जिसकी आवाज बैठ गई वो जादूगर हो गया, ये बात हकीकत है। एक आवाज आपने सुनी रेशमा जी की, एक कोयल जैसी आवाज, मालिक उसी को नवाजता है जिसका दिल साफ होता है। तो ये थी हमारी रेशमा जी। रेशमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव होके से। थैंक यू।